हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम उर्मिला है और मैं केनिया में रहती हूँ और केनिया के छोटे से शहर ठिका में मेरा घर है। आज हम जा रहे हैं पैराडाइज लॉस्ट, यहाँ की एक पिकनिक स्पॉट जगह भी है और यहाँ की एक ऐतिहासिक जगह भी है। ये हम हैं और ये हमारी दो बच्चे, और ये जगह बहुत ही मीन्स खूबसूरत थी। इतनी ग्रीनरी थी कि आंखों में ठंडक पड़ गई। और ये जगह करीबन नैरोबी से 2 घंटे के रास्ते पे है, 2 से 2.5 घंटा। और मैंने थोड़ा सा फास्ट फॉरवर्ड में रखा है क्योंकि वीडियो काफ़ी लंबा हो रहा था। तो ये हम नीचे की तरफ जा रहे हैं जहाँ पे एक सुंदर सा लेक है। इस जगह में आपको लेक दिखाई देगा। एक इस जगह में बहुत सुंदर सा लेक है, झरना है और काफ़ी सारा ब्यूटीफुल प्लेसेस भी है जो मैं आपको दिखाऊंगी। और यहाँ ये देखिए, हम पहुंच गए लेक के पास में। और यहाँ पे रेड कलर के फ्लावर्स और पिंक कलर के हिबिस्कस के बड़े बड़े पेड़ थे। ये देखिए, ये पिंक कलर का हिबिस्कस का पेड़ है और ये हूँ मैं। हम लोग यहाँ पे बोटिंग के लिए आए थे लेकिन यहाँ पे इतने घने बादल थे, इतनी बारिश आने वाली थी, तो उन्होंने मना कर दिया कि यहाँ पे अभी बोटिंग नहीं हो सकती जब तक बादल क्लियर ना हो, बारिश आके ना चली जाए। तो हमने सोचा कि ठीक है, चलो हम आगे चलते हैं, आगे की तरफ जहाँ पे झरना है। और झरने से आगे फिर हमें वाटरफॉल दिखाई देगा। तो ये उन्होंने रास्ता बनाया था, बहुत खूबसूरत बनाया था। थोड़ा सा मैंने इसको टाइम लैप्स पे डाला। ये देखिए झरना, झरने से ही पानी वहाँ लेक में जा रहा था। और ये रही मैं थोड़ा सा वीडियोस शूट करने के लिए या फोटोग्राफ्स निकालने के लिए, क्योंकि ये सब चीज़ें इतनी कैप्चर करने जैसी थी कि लाइफ टाइम मेमोरीज के लिए, कि क्या पता फिर हम कब यहाँ पे आए, फिर से इस माहौल को एंजॉय करें। तो एटलीस्ट इस वीडियो के ज़रिए हम फिर से इस माहौल को फिर से एंजॉय करें और आपको भी दिखाऊं कि कैसा है केनिया। ये हम अभी आगे बढ़ रहे हैं वाटरफॉल की तरफ। यहाँ का वाटरफॉल तो इतना खूबसूरत है, उसकी क्या खासियत है वो मैं आपको आगे जाके बताऊंगी। पानी इतना लाल है क्योंकि यहाँ की मिट्टी बहुत ही लाल है। यहाँ पे रास्ते जितने बने हुए हैं उतनी ही मिट्टी भी बहुत उन्होंने रखी हुई है, जिसकी वजह से इसका पानी भी, झरने का पानी वाइट नहीं है, सारा मिट्टी वाला ही पानी दिखाई देता है। हम भी इस जगह पे पहली बार ही आए थे, काफ़ी इसमें चढ़ना था, फिसलन भी बहुत थी क्योंकि बारिश, एक बारिश तो हो चुकी थी और आगे भी आने की संभावना पूरी थी बारिश की, जिसकी वजह से बोटिंग नहीं हो पाई और हम आगे आ गए। फिर आगे आने के बाद में ये देखिए वाटरफॉल, ये यहाँ से अभी भी उतना सुंदर नहीं दिख रहा है। आगे चलते हैं, आगे और भी सुंदर दिखेगा। ये है यहाँ के केव्स। यहाँ पे बहुत ओल्ड एंशंट टाइप के केव्स है यहाँ पे। और यहाँ पे कहा जाता है कि जब पुर्तगाल्स यहाँ पे जैसे इंडिया में रूल किया अंग्रेज़ों ने, वैसे पुर्तगाल ने यहाँ पे रूल किया था, तो जब उनके इस देश के जो क्रांतिकारी थे वो यहाँ पे छुपे रहते थे 15-15, 20-20 दिन तक। ये देखिए ये ब्यूटीफुल नज़ारा, ये देखने के बाद में तो ऐसे लगता है कि हम बाहुबली मूवी ही देख रहे हैं, क्योंकि इसको देखने के बाद में तो मुझे बाहुबली की याद आई। ये झरने, ये वाटर फाउंटेन के पीछे का, पीछे से हम गए थे, वाटर फाउंटेन के एग्जैक्ट पीछे थे हम लोग। इतना खूबसूरत लग रहा था, इतना खूबसूरत लग रहा था कि क्या मैं बताऊँ। उसकी आवाज़ और वहाँ पे इतना ठंडा फील हो रहा था। ये देखिए मेरी बेटी इंजॉय करते हुए, पैर बहुत संभल के रखने पड़ रहे थे क्योंकि यहाँ पे काफ़ी फिसलन थी। और ये अब हम जा रहे हैं केव्स की तरफ। केव्स के अंदर तो जाने की हिम्मत नहीं थी, लेकिन जितना तक मैं कैमरा लेके गई उतना ही, जितना पॉसिबल हुआ, क्योंकि लाइट्स तो था ही नहीं, अंधेरा ही था, तो हमारी फ्लैश लाइट से जितनी भी रोशनी हो पाई उतनी रोशनी में हम
के उसको देख रहे थे। हस्बैंड ने भी मना किया कि अंदर मत जाना, कि पता नहीं कौन से एनिमल्स हमारी वेट करते हुए अंदर होंगे, तो इसलिए हम अंदर नहीं गए। लेकिन ये थोड़ा सा कोशिश किया है दिखाने की कि किस तरह से केव्स होते थे और किस तरह से ये इतने अंधेरे में क्रांतिकारी अंदर रहते थे। यहाँ से तो जाने का मन ही नहीं कर रहा था कि इतना ठंड लग रहा था और इतना फोटोजेनिक स्पॉट था कि यहाँ पे बस फोटो निकाले, वीडियोस ले। और ये वाटरफॉल का साउंड बहुत बहुत स्वीट लग रहा था। और बाहुबली की किस किस को याद आई प्लीज़ मुझे कमेंट में ज़रूर बताना। ये अलग अलग एंगल से वाटरफॉल लेते हुए है ना ब्यूटीफुल। सब ग्रीनरी ग्रीनरी, नीचे लाल मिट्टी और ऊपर से इतना वाटरफॉल। फिर से अपनी तस्वीरें और वीडियो बनाते हुए इसकी बारी। अब ये थोड़े से अपने फोटोग्राफ्स निकाले, फिर हम उधर से नीचे आ गए। नीचे आने के बाद में फिर से ये खूबसूरत नज़ारा देखने मिल रहा है। काले बादल तो हमारा पीछा ही नहीं छोड़ रहे थे, हमें बोटिंग भी करनी थी। यहाँ पे कुछ खाने के लिए ऐसे यहाँ पे अवेलेबल नहीं था, अवेलेबल इन द सेंस थोड़ा नॉनवेज वगैरह। यहाँ का जो लोकल फूड है वो सब मिलता है, इंडियन फूड्स भी यहाँ पे मिलता है, जैसे समोसा वगैरह हो गया। लेकिन फिर भी मीन्स हम लोग अपना घर से अपना खाना खुद ही लेके आए थे। उसका शूट मैंने नहीं किया था यहाँ पे, मैं इडली चटनी लेके आई थी। देखिए हमें बोटिंग के लिए जाना था और फिर से काले बादल आ गए, फिर से बारिश शुरू हुई। तो भी टिकट ले लिया था हमने, पहले ही बारिश बंद हुई थी तभी टिकट ले लिया था। उन्होंने भी पूरा बोट क्लीन करके रखा था, लेकिन फिर से वहाँ पे बारिश की वजह से फिर से पानी आ गया। फाइनली बारिश रुक गई और हम हमारा बोटिंग का आनंद लेते हुए। यहाँ पे सडन वेदर चेंज हो जाता है, सडन अचानक से यहाँ पे गर्मी होने लगती है, अचानक से धूप आता है, अचानक से बारिश आती है, कुछ पता नहीं चलता है। तो यहाँ पे अभी जब हम बोटिंग स्टार्ट किए थे तभी तो हमने बोटिंग जब स्टार्ट की थी तभी तो बारिश नहीं थी। ये देखिए अभी धूप फिर से आ गई। बोट में शूट करने में भी डर लग रहा था कि कभी मोबाइल ना हाथ से निकल जाए गिर के पानी में। बहुत संभल के कर रहे थे, हस्बैंड वही चिल्ला रहे थे कि बाबा संभल के करना नहीं तो मोबाइल जाएगा पानी में। देखा काले बादल कहाँ गायब हो गए और अभी यहाँ पे धूप आ गई। ये जो उस तरफ मीन्स पानी के उस तरफ की जो ज़मीन दिख रही है वहाँ पे कॉफ़ी के खेती होती है। वहाँ पे पूरा मीन्स कॉफ़ी कॉफ़ी का ही प्लांटेशन था। ये जो सारा उस तरफ का दिख रहा है ना, ये सब कॉफ़ी प्लांटेशन है। ये देखने के बाद में तो फिर से बॉलीवुड की याद आ गई।
गाना याद आ रहा था, ये हंसी वादिया ये खुला आसमां। धूप की वजह से पूरी आंखें बंद हो रही थी यहाँ पे। वो देखिए मैंने बताया था ना कि कॉफी प्लांटेशन पे काम कर रहे, तो ये देखिए ये वर्कर्स थे वहाँ के। यहाँ पे काफ़ी सारा था कि हॉर्स राइडिंग थी बच्चों के लिए, एंटरटेनमेंट के लिए सारे इंतज़ाम, जिप लाइन था और भी बहुत कुछ यहाँ पे था, लेकिन मेरे बच्चों ने जिप लाइन ही किया क्योंकि घोड़सवारी वगैरह उनको करनी नहीं थी, तो वो हम लोगों ने नहीं की थी। और नाइजीरिया टू केनिया अगर कंपैरिजन करें, क्योंकि हम लोग नाइजीरिया में करीबन 4.5 साल तक रहे थे, और नाइजीरिया के बाद में अभी हम अगस्त 2023 को हम यहाँ पे शिफ्ट हुए केनिया में, तो नाइजीरिया से ब्यूटीफुल मुझे केनिया ही लगा। बहुत सारे यहाँ पे घूमने फिरने की जगहें हैं, मैं कोशिश करूँगी कि हम भी वहाँ पे जाए और ऐसे ही वीडियोस में आप सबके लिए लेके आऊं। ये हमारी राइड कंप्लीट हुई, पूरे 1 घंटे की राइड थी। ये आ गए हम अब जिप लाइन पे। और आज दिन ऐसा था कि जब हम गए थे तब कंटिन्यूअसली 2 दिन हॉलीडेज थे, तो इसलिए इस दिन आज के दिन यहाँ पे कोई भीड़ नहीं थी, तो काफ़ी सारा हम लोगों ने इन्जॉय किया। कि नहीं तो कभी भीड़ होती है तो हर जगह लाइन लगी हुई है बोटिंग के लिए लाइन, फिर ठीक से फोटोग्राफ्स नहीं निकाल पाएंगे, इस तरह से होता है। लेकिन हमारा आज का नसीब अच्छा था कि आज वहाँ पे कोई भी भीड़ नहीं थी। तो ये मेरी बेटी जा रही है, उसने तो इससे पहले भी इंडिया में जिप लाइन किया हुआ था, बेटे ने फर्स्ट टाइम किया मेरे, तो हमें लगा कि वो करेगा कि नहीं करेगा, थोड़ा डाउट था, बट ही डिड। ये देखिए ये रिटर्न पॉइंट है, ये अभी उधर से ये रिटर्न इधर इस तरफ आए, यानी दो दो साइड से हुआ, एक इधर से वो उस कॉर्नर तक गए, अभी उस कॉर्नर से ये इस कॉर्नर तक आए। दोनों से एक्सपीरियंस पूछा हमने तो दोनों ने काफ़ी इंजॉय किया था, हमें भी कह रहे थे कि आप लोग भी ट्राई करो, बट हमारी नहीं हिम्मत नहीं हुई। आपको ये ब्लॉग कैसे लगा प्लीज़ मुझे कमेंट में ज़रूर बताना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।